परासिया किसान मित्रों और दीदी संघ ने भाजपा नेता सौरभ बावरिया को ज्ञापन देकर मांग की है कि इन्हें वापस नौकरी पर रखा जाए। इन लोगों को कांग्रेस सरकार के समय कार्यमुक्त कर दिया गया था। किसान मित्रों और दीदी संघ ने भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य सौरभ बावरिया को ज्ञापन देकर कहा कि हमारी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास रखें। पूर्व में किसान मित्रों और दीदी संघ में कार्यरत लोगों को कांग्रेस सरकार आते ही हटा दिया गया था, अब उनको वापस कार्यरत किया जाए जिससे हमारी नौकरी चलती रहे और हम परिवार का पालन पोषण कर सकें। समस्त किसान मित्र और बहनें, ये योजना 2013 से सुचारू रूप से पूरे मध्य प्रदेश में चल रही थी। लगभग 27,000 ऐसे किसान मित्र और दीदी 2013 से लगातार किसान की प्रचार प्रसार समस्त पंचायतों में गाँव में जाकर कर रहे थे और बहुत ही ऐसा न्यूनतम मानदंड इनको 500 रुपए के इसमें मिलता था जिसमें पूरी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जब 15 महीने की कमलनाथ की सरकार आई और अनेकों प्रकार की योजनाएं ठप और बंद कर दी गई और इनकी योजना केवल मात्र इसलिए बंद की गई थी क्योंकि किसान मित्र संघ अंतिम में संघ लगा हुआ था। संघ के कारण उनको लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, इसलिए 27,000 किसान मित्रों और दीदियों को हटा दिया गया था और दूसरे नाम से एक नियुक्ति चालू कर दी गई थी जिसमें कांग्रेस के लोगों की नियुक्ति हो पाए, उनको मापदंड मिल पाए, ऐसी योजना उन्होंने चालू की थी। यही सब देखते हुए ईश्वर ने 15 महीने की सरकार को हटा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ले आया। तो आज परासिया विधानसभा के समस्त किसान मित्र और दीदियों ने मुझे एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और कमल पटेल जी हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनसे चर्चा करके ऐसे 27,000 किसान मित्र हैं वो पुनः सेवा करना चाहते हैं किसानों के बीच में रह के। तो मैं तत्काल इसमें अभी माननीय मंत्री जी से भी बातचीत करूंगा और यथासंभव माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा। उनके विषय में ये पूरी संज्ञान में विषय पूरा है और हम सभी लोग, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द जो भी एक सिस्टम होगा उसके रूप में हम अनुकूलता लाते हुए आज सभी लोगों को वापस लेने का प्रयास करेंगे। इसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से आगामी समय में करने वाले। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।